पर शेर आ गया तो हर जानवर एक दो कदम पीछे होता है। अगर शेर ही दो कदम पीछे चला तो समझना पुष्पराज आ गया है। झुकेगा पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। यो डायलॉग तो सबैले सुन्नु भयो होला। अनि हुनु त यस्तो हो, इन्डियन सिनेमा भनेको लाइक अति नै बवाल चिज हो के, लाइक हुन्छ नि एउटा लेभलको चिज हो। यो नेपाली इन्डस्ट्रीले चाहिँ एकदम नै दिमागमा राखेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने चिज हो क्या। लाइक द्याट्स नट इजी पनि एन्ड द्याट्स नट इम्पोसिबल पनि, हार्ड चिज हुनसक्छ नेपालीहरूको लागि। तर आज हामीले जे गर्न चाहँदैछौँ त्यो त मास्टरपिस। आई वाज लिटरली वेटिङ फर टू इयर्स ब्रो, 2 वर्ष आए पुष्पा। क्या आपको पता है पुष्पा कहाँ है? 2 वर्ष अति नै वेट गरेको हो एन्ड इट कम्स विथ अ ब्याङ। मैले भर्खर थाहा पाएँ, अति नै बवाल नै के ड्याम सिट के, म भेजा भइसकेँ। लाइक पुष्पा भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि त, बक्स अफिसमा त्यति साह्रो नकमाए पनि तर पुष्पाले एउटा यस्तो लेभल सेट गरिदिइसक्यो कि हामी जे गर्दा पनि लाइक बाबाले मलाई के भन्नु भने पुष्पराज झुकेगा नै साला। झ्याममा त खाइन्थ्यो होला तर यो डाइलग निस्किन्थ्यो कि, होइन भन्नु न एकचोटि। अनि अर्को सामे 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 वाला गीत भाइरल भएकै हो। इट हेज लिटरली अराइभ्ड। अनि आज हामी ढिलो नगरिकन लेट स्टार्ट दिस रिएक्सन विथ द सेम एनर्जी एन्ड सेम इन्टेन्सिटी। एक्चुअली म त भेजा भइसकेँ आज त, म ओहो ट्रिजर। अनि रिएक्सन आइसकेको छ, 2-4 जनाको आइसकेको छ। यो दिदीले पनि राम्रो दिनुहुन्छ। एन्ड द टाइम ह्याज गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम की मैं डॉल भइसके छु के, लाइक नाम के शुरू को चीज था नहीं, पुष्पा घायल हो चुका है। डैम चीज लाई यसरी पॉइंट आउट गरेको भन्दा घायल हो चुका है भनेपछि अब कुन लेभलमा जान्छ जस्तो फिल। एकचोटि सोच्नु न, घायल भएको शेर अब आएपछि के गर्छ, त्यही हो नि त खासमा भन्न खोजेको थिम त। शिट, आई एम सो एक्साइटेड। यो फुल म फुलमा हेर्छु है यो। यसको पहिला यो अब अफ गरिदिउँ। लेट्स स्टार्ट, फेरि सुरुवात। आई कान्ट स्टप। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। मला गूज बम्स आ लिटरली। त्यो यो साउन्ड सुनो ना कस्तो छ। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सर्च टीम ने ढूंढ निकाली। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस वक्त अनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए। लगी है, किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश। तो कस्तो वाला क्या दामी साउंड हो गया यार। आई वाज नॉट वेटिंग यस्तो तरिकाको त यार, हुन्छ नि अति नै नेक्स्ट लेभल। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पण तुम्हाला माहिती आहे का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। भगत आई, अब ये ठीक है। बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाए। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। मेरे को खाना खिलाता था यार, कूल लेवल को राइटिंग। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। मेन भनेको लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो। पुष्पा जिंदा नहीं है ब्रो, पुष्पा 2 इज कमिंग। वेयर इज द पुष्पा? पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? कहाँ है पुष्पा? कहाँ है आखिर?
इंडियन इंडियन कस्तो होला कहाँ है पुष्पा क्या आपको पता है पुष्पा कहाँ है क्या आपको पता है पुष्पा कहाँ है नहीं मेरे को नहीं पता देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं से दिखाई नहीं दे रहा अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है फिर एक चुरी ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है चाहिएको सिनेमामा त सिट आइएम लिटरली अ सिनोफाइल अनि हुन्छ नि ए म हरेक चिज हेर्ने मान्छे हो कि म लिटरली कस्तो जिरिङ जिरिङ गड डैम सिरिङ सिरिङ बनायो शरीर त अबि त्यो आँखा हेर न ओए कस्तो तो सम्झो पुष्पा आया है पुष्पा को कुछ नहीं हुआ पुष्पा जिंदा है गाइस आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस अति नै गॉड लेवल बनाएको आमा मामा साउथ इंडियन मूवी यतिकै साउथ इंडियन त हिन्छ के तर एउटा सोचले गर्दाखेरि आरआरआर ओभर रेटेड थियो अनि पुष्पा लास्टै अंडर रेटेड भयो बीचमा एन्ड नाउ द फेज दुई वर्षको वेटिङ पुष्पराज पुष्पराज कहाँ छ एन्ड द थिङ द सिट सोच यो एक्चुली ग्लोबल भयो भने त झन् कुन लेभलमा जान्छ होला यार ड्याम यसरी पो देखाउने पुष्पाका Happy birthday to you, Pushparaj. Chukega nahi sala. Mama, oh shit. Sock dine yaar. लाइट्स डाउन जंगल में अगर शेर आ गया तो हर जानवर एक दो कदम पीछे होता है अगर शेर ही दो कदम पीछे चला तो समझना पुष्पराज आ गया है झुकेगा नहीं साला नहीं यो चीज को लागि यति पनि एक्साइटमेंट भएन भने त के सिनेफाइल भन्नु आफूलाई कसरी अल्लु अर्जुन को फैन भन्नु के So thank you for watching this video. Hope you guys loved it. First ticket. I'm buying the first ticket. Malai the hunch ani free mai de hunthe yaar ticket. Aina yaar ma 500 ma pani tirna ready chu ma ta. So thank you guys. Don't forget to give a like, leave a comment and hit that subscribe button. Comment ma chai kasto lagyo treasure not dhatikana bhandinu literally. La hajurlai yo cheez mero reaction chai fake lagiracho overreacting lagiracho bhan chai hajurlai kasto lagcha actually bhandinus comment ma. Was that average? No bro, that was beyond expectation. And thank you for watching this video. Oh mommy, oh, tie bawa le, tera chha.